हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज ग्रिल। मैं नेहा आनंद आपको बताऊंगी कि कौन तय करता है सोने के दाम, क्यों हर शहर में होती हैं अलग कीमतें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। भारत जैसे देश में हम आए दिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती घटती कीमतों की खबर सुनते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इनके अलावा एक और ऐसी चीज है जिसकी कीमत हर दिन बदलती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोल्ड की। रातों रात सोने की कीमत बढ़ जाती है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह आज हम आपको बताएंगे। एक एक्सपर्ट के मुताबिक सोने की बढ़ती घटती कीमत के पीछे सबसे बड़ा हाथ आर्थिक और पॉलिटिकल से जुड़ी बातों का होता है। ये घरेलू और वैश्विक दोनों तरह की हो सकती हैं। जैसे अगर हमारे देश की सरकार ने सोने की इम्पोर्ट से जुड़ा कोई नया नियम लागू किया है तो इसके असर सोने की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरह सोने का एक्सपोर्ट करने वाले देश में किसी साल उत्पादन घट जाता है तो इसका असर भी घरेलू बाजार में सोने की कीमत पर पड़ेगा। इसी तरह देश में या विदेश में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका असर सोने की कीमत पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे तय होती है सोने की कीमतें। बाजार में आप जिस कीमत पर सोना ज्वेलर्स से खरीदते हैं वह स्पॉट प्राइस यानी हाजिर भाव होता है। अधिकतर शहरों के सराफा एसोसिएशन के सदस्य मिलकर बाजार खुलने के समय दाम तय करते हैं। MCX वायदा बाजार में जो दाम आते हैं उसमें वेट, लेवी एवं लागत जोड़कर दाम घोषित किए जाते हैं। यही होता है कि सोने की कीमत हर शहर में अलग अलग होती है। इसके अलावा स्पॉट मार्केट में सोने की कीमत उसकी प्योरिटी देकर की जाती है। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत अलग अलग होती है। MCX यानी मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज वह भारतीय बाजार में सोने की डिमांड और सप्लाई के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में इन्फ्लेशन की स्थिति को ध्यान में रखकर सोने की कीमतें तय करता है। इसके अलावा MCX लंदन स्थित लंदन बुलेटिन मार्केट एसोसिएशन के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए सोने की कीमत तय करता है। वायदा बाजार के भाव पूरे देश में एक से ही रहते हैं। आपको बता दें कि पहली बार सोने की कीमत 1990 में तय की गई थी। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वहां सोने की कीमतें तय करने के लिए लंदन में एक संचालन और प्रशासनिक इकाई है जो कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। 2015 के पहले लंदन गोल्ड फिक्स सोने की नियामक इकाई थी जो कीमतें तय करती थी, लेकिन 20 मार्च 2015 के बाद एक नई इकाई लंदन बुलेटिन मार्केट एसोसिएशन बनाई गई जिसे ICE प्रशासनिक बेंचमार्क चलाता है। ICE ने 1919 में बने लंदन गोल्ड फिक्स इकाई का स्थान लिया है। यह संगठन दुनिया के तमाम देशों की सरकारों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के साथ मिलकर तय करता है कि सोने की कीमत क्या होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। सोने की कीमतें लंदन के समय अनुसार दिन में 2 बार सुबह 10:30 और शाम को 3 बजे तय की जाती है। अब मुझे यानी नेहा आनंद को दीजिए इजाजत। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।